नमस्कार, आप सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई मास्टर। आज जो ये खास दिन है, शुक्रवार का दिन, इस दिन मैं आपको कुछ खास चीजें तो बताने ही वाली हूँ, साथ ही मैं आपको बताऊंगी आपको आज का आपका टैरो फोरकास्ट। और ये फोरकास्ट आधारित होगा आपकी जन्म से रिलेटेड जो राशि बनती है, डेट के अनुसार जो राशि बनती है उस पर। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपने सन साइन को देख लीजिए और उसी के अनुसार मैं आपको आपका फोरकास्ट देने वाली हूँ आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि से। तो सबसे पहले मेष राशि के लिए निकलता है ये कार्ड। तो मेष राशि के लिए निकल कर आया है फोर ऑफ हार्ट्स का कार्ड। तो फोर ऑफ हार्ट्स का कार्ड कहता क्या है? फोर ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये कहता है कि आज आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। मतलब आप डिसकंटेंटमेंट वाला एक फीलिंग आपके अंदर आ सकता है, आपको लग सकता है कि शायद ज़िंदगी से बेहतर हो सकती थी, हो सकता है कि मेरा जो भी अभी समय चल रहा है ये और बेटर होता अगर मैंने पास्ट पे कुछ और यू नो डिसीजंस लिए होते अपनी लाइफ में। आप कंपैरिजन मोड में हो आज अपने अपने और दूसरों के यू नो प्रेजेंट को लेकर, और ये कंपैरिजन मोड आपको ऐसी फीलिंग दे सकता है। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो उनके लिए कार्ड निकालती हूँ। आपके लिए निकल कर आया है टू ऑफ हार्ट्स का कार्ड, जो आपको इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। इमोशनली बहुत हैप्पी रहेंगे आज आप। आज ओवरऑल देखा जाए तो आपका किसी के साथ अगर जॉइंट वेंचर होता है, मिलके काम करते हैं, तो बहुत अच्छा आपका मतलब जॉइंट वेंचर होगा। आपका जो काम है काफ़ी अच्छा चल सकता है। आने वाले समय में आपकी दोस्ती भी बन जाएगी आपस में। और रिलेशनशिप की जहाँ तक सवाल है तो रिलेशनशिप के लिए आज का दिन 10/10 है। चलिए अब जेमिनी की बात की जाए तो जेमिनी के लिए निकला है ये कार्ड। तो जेमिनी का निकल कर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये कार्ड बताता है कि घर में प्रोस्पेरिटी लक है आज के दिन। और ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई ऐसी मैरिज की बातें चल सकती हैं फैमिली में, जो अच्छी चीज़ें देखकर, स्टेटस देखकर, और एक बहुत ग्रैंड वेडिंग कुछ ऐसी प्लान हो सकती है आपकी फैमिली में। और अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए चलिए मैं निकालती हूँ कार्ड। आपका कार्ड निकल कर आया है ये टावर का कार्ड। तो टावर का कार्ड थोड़ा सा आपको आज सेटबैक दे सकता है। अचानक ही बोलो हेल्थ से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नज़र आया। मुझे लगता है हेल्थ को लेकर आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कोई भी रिस्क मत लीजिए, आराम से चलिए। आज के दिन ना आप देखिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और थोड़ा सा इस तरह का कार्ड निकल कर आया, तो मैं बोलूँगी कि आज आप सफ़ेद रंग की कोई खाने की वस्तु आज दान जरूर कर दीजिएगा। और सफ़ेद खाना मत खाइएगा आज के दिन। आज आपको हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, तो लियो की बात करते हैं। तो लियो के लिए निकला है ये कार्ड। लियो के लिए निकला है ये प्रिंसेस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। कोई अच्छा मतलब कोई अच्छा आपके लिए संदेश आ रहा है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे। कोई आपका जॉब का ऑफर लेटर भी अगर आ रहा था तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा आएगा जैसा आप चाहते थे, वैसा ही पैकेज वो लोग देंगे आपको जो आपने सोचा था। या फिर कोई अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, कोई किसी दूसरे का संदेश था, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। लवर्स के लिए भी अच्छा है आज का दिन। और अब बात करते हैं अगली राशि की, तो वर्गो के लिए। चलिए मैं यहाँ से निकालती हूँ। वर्गो के लिए निकल कर आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई स्ट्रेस का कार्ड ये बताता है आज आप इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी जल्दी भाप जाएंगे कि सामने वाले के दिल में क्या है आपको लेकर, या सिचुएशन में अब आगे क्या होने वाला है। तो आज बहुत ज़्यादा मतलब जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट वे में आप पेश आएंगे लोगों के सामने। ये कार्ड ये भी बता सकता है किसी से आपका लगाव हो सकता है बहुत ज़्यादा। और ये लगाव ज़रूरी नहीं है कि जैसे लगाव किसी से हो जाए तो प्लेटोनिक लव की तरह लगाव होता है ना, कि जरूरी नहीं है कि आप किसी की तरफ सेक्सुअली इंक्लाइंड है कि हाँ मतलब यू वांट टू हैव सेक्स विद दैट पर्सन देन ओनली यू कैन लव दैट पर्सन। ये एक स्पिरिचुअल लव है कि आप उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पुण्य विचार हैं आपके उस व्यक्ति के लिए, और वो स्पिरिचुअल लव आपका नज़र आता है इस कार्ड के हिसाब से। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं। वो अगली राशि है लिब्रा। तो लिब्रा के लिए निकला है ये कार्ड। लिब्रा के लिए निकल कर आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि आज आप ग्रीनरी में जाकर टाइम बिताना पसंद करेंगे। पैसे के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा अकेले रहना पसंद करेंगे आप, ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होने का आज आपका बिल्कुल मूड नहीं है। आप अकेले ही थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक,
और अपने पेट के साथ घूमना और अपने में भी अपनी बिजनेस की प्लानिंग करना। बिजनेस तो अच्छा होगा ही, आज अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर किसी चीज की आज शुरुआत होती है तो। अब अगली राशि की बात करें, चलिए स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए निकला है ये कार्ड, स्कॉर्पियो के लिए निकल कर आता है ये है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अगर कोई आपका लीगल मैटर चल रहा है तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए आने वाले समय में भी प्रॉब्लम डाल सकती है। तो अगर कोई मामला आज शुरू करने के बारे में सोचे थे तो मत ही कीजिए, क्योंकि वो मामला सुलझेगा ही नहीं आपका, आप उसमें फंसे रह जाओगे, कहीं नहीं जाने वाला वो मामला। मतलब तो फालतू में आप अपने आप को परेशान करो, आप कोर्ट कचहरी में चक्कर काटो, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, पहले से ही अगर मान लो कोई मामले चल रहे हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि अभी आप में आपको कोई राहत मिलेगी उसमें। अगली राशि का रुख करते हैं, सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस के लिए निकला है ये कार्ड, सैजिटेरियस राशि वालों के लिए निकल कर आया है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आज। ये कार्ड इंडिकेशन देता है ट्रबल का, एक ट्रबल जो एकदम से आपको लगता है कि अचानक आपको डिस्टर्ब कर सकता है, बट ट्रबल हैज़ कम टू गो वाली सिचुएशन होगी, आएगा और आपको छू के चला जाएगा, ज़्यादा लंबा उसका वो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि छोटी परेशानी आकर चली जाए ना तो वो बड़ी परेशानियाँ नहीं आती उसके बाद, तो आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, चलो छोटे में ही आपका निपटारा हो गया, बड़ी परेशानी आई ही नहीं है। तो ये कार्ड इस तरह की इंडिकेशन दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए। अब अगली राशि का रुख करते हैं, तो अगली राशि है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए निकला है प्रिंस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। तो ये प्रेम से भरा दिन है, अच्छे समय बिताने का दिन है, और कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो आज रोमांस का दिन है। ये रोमांस के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सिंगल है तो कोई मिल जाएगा, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं या शादीशुदा हैं तो बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे आप अपने बेटर हाफ के साथ। और अगली राशि की भी बात कर ली जाए तो अगली राशि है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए निकला है ये कार्ड। एक्वेरियस का कार्ड बताता है, ये फूल कार्ड, फूल कार्ड बताता है आज आप ना कुछ विचित्र तरीके से ही पेश आएंगे लोगों के सामने। आज सपोज कोई पार्टी में आप जा रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ कोई ड्रेस कोड है, तो आप बोलेंगे मैं तो ड्रेस कोड बिल्कुल नहीं फॉलो करने वाला या करने वाली, आप बिल्कुल भी जो नियमों को फॉलो नहीं करेंगे और बिल्कुल अनकन्वेंशनल वे में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। आज हो सकता है कि रेगुलर जो आप कपड़े पहनते हो उससे भी कुछ अलग से ही कपड़े पहनने का मन कर जाए, मतलब जो कॉम्बिनेशन आप कभी नहा पहनते हो उससे भी अलग कॉम्बिनेशन पहने, और लोग बोले आज तुमने कैसे अलग से कपड़े पहने हुए हैं, या फिर आज मतलब मेकअप भी बहुत अलग है किसी फीमेल का, अगर जो भी आप लोगों में से फीमेल्स हैं, कुछ इस तरह का कि आप अपनी अपीयरेंस को बहुत अनकन्वेंशनल, जो कि लोग जनरली नहीं होते ऐसी लुक जो है आप अटेन करें इस तरह का मुझे लगता है। और ये अनकन्वेंशनल बिहेवियर आपका आज जो होगा ये कई लोगों को तो बहुत ही पसंद आएगा कि वाह ये बड़ा हैपनिंग लग रहा है। चलिए अब आखिरी राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि की बात कर ली जाए। तो मीन राशि के लिए निकला है ये कार्ड। तो मीन राशि वालों का आज थोड़ा सा दिल टूट सकता है कि किसी के साथ आपका मतभेद हुआ या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ अभी रिसेंट पास्ट में, तो अब आप मूव ऑन कर जाएंगे, अब आप ज़्यादा उसमें अटके नहीं रहना चाहेंगे। ये मूव ऑन करने का कार्ड है, और मूव ऑन कर आप देखेंगे कि ज़िंदगी अपने आप आगे बढ़ जाती है और आपको और नए रास्ते मिल जाएंगे। कहते हैं बहुत सारे दरवाजे अगर बंद हो जाते हैं तो कोई एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है आपके जीवन में। तो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ये आपका आज का आपका मंत्र होना चाहिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आज के दिन। तो ये हुई आज के टैरो फोरकास्ट की बात। तो चलिए अब हम आज का जो खास टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। हमारे जीवन में हमें जो सही रास्ता दिखाए, जो हमें परमात्मा से परिचय कराए, उसे कहते हैं गुरु। वो इंसान जिससे मिलने से आपका परमात्मा में विश्वास जागे उसे कहते हैं गुरु। जो आपको अंधकार से बाहर निकाले उसे कहते हैं गुरु। आपको गुरु अगर मिल गए हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, लेकिन अगर आपको गुरु नहीं मिले हैं तो
तो आप उसके लिए शायद रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु तभी आते हैं जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। लोग अक्सर कहते हुए मिलते हैं, हम तो किसी को गुरु नहीं मानते, हम तो भगवान को ही अपना गुरु मानते हैं। तो भगवान तो अपनी जगह है, लेकिन भगवान का रास्ता दिखाने वाले गुरु हर एक की किस्मत में नहीं होते, इसलिए उन लोगों की किस्मत में गुरु नहीं आते। तो अगर आप अपने जीवन में गुरु आमंत्रित करना चाहते हैं कि गुरु हमें मिले, तो सबसे पहले आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि आपके जीवन में एक गुरु आए। उसके लिए आपको नित्य आपको जल्दी उठकर सुबह ईश्वर से, मतलब सूर्योदय के आसपास आप उठिए और बिल्कुल सूर्य की तरफ देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में एक गुरु का आगमन हो, जो मुझे आने वाले जो इस रोशनी में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे अवगत कराए और अध्यात्म की ओर लेकर जाए। ऐसा करने से आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके जीवन में रास्ते खुल जाएंगे और गुरु का आगमन होगा। अब गुरु अगर आपके जीवन में है तो गुरु के निकट जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गुरु के निकट जाने के लिए पहले तो एक आज्ञाकारी शिष्य बनना चाहिए। दूसरी बात, आपको क्या करनी चाहिए? कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, जैसे गुरु अगर आपके घर में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। गुरु जब आपके घर में आए तो सबसे पहले प्रवेश द्वार पर उनको पुष्पों से उनका स्वागत कीजिए। हमेशा गुरु को पुष्प या तो उनके सर पे गुलाब की पंखुड़ियां डालिए या फिर उनको माला अर्पित कीजिए। हमेशा गुरु को ये करना चाहिए, चाहे गुरु 100 बार क्यों ना आए आपके घर, आपको हमेशा ऐसे करना चाहिए। आपको दीप से भी उनको उनका स्वागत करना चाहिए और आपको इंसेंस लेकर यानी अगरबत्ती लेकर भी आपको जो है गुरुओं को प्रवेश द्वार से उनको अंदर तक लेकर आना चाहिए और वो स्थान जहाँ पर आपने उनको विराजमान कराना है वहाँ तक आपको उन्हीं सुगंधि के साथ वहाँ तक लेके जाना चाहिए। ये एक रूल माना जाता है। और दूसरी बात, अगर आप कभी भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ना वाटर के जो है ना पानी के ऑफरिंग्स होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पानी हम ऑफर करते हैं बुद्धास को, तारास को, तो ये भी इनका भी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हम वैसे प्योरिटी के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इनके बीच में ना हमेशा एक राइस के दाने के बराबर हम लोग गैप रखते हैं। इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इससे कम गैप नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप 1 राइस ग्रेन का गैप रखते हैं तो आप हमेशा अपने गुरुओं के निकट रहते हैं। तो ये टिप्स हैं आपको अपने गुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरुओं के निकट रहने के लिए। और बाकी तो मैं कहूंगी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे लेती हूं इजाजत, अगले शो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।